डॉक्टर नेपाल चंद्र महतो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री सिंहभूम कॉलेज चांदनी। आज सेमेस्टर फाइव के छात्र छात्राओं के लिए एक स्पेशल चैप्टर है जो कि एक चैप्टर के रूप में है, अध्याय के रूप में है, पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। भारत स्वतंत्र होने के कारण, पहले तो इस कारण को पहले जानना है कि भारत स्वतंत्र किस प्रकार हुआ, इसके होने के लिए कौन कौन से उत्तरदायी कारण था। इसे तो अचानक नहीं हुआ है, इसके होने के पीछे तो बहुत लंबा कारण हम लोग आगे पढ़ते आ रहे हैं, विभिन्न प्रकार का इसका मतलब आंदोलन का रूपरेखा, आंदोलन के विभिन्न हम लोग विचार हम लोग करते आए हैं, विभिन्न प्रकार के मतलब ऐतिहासिक पृष्ठ में नवजागरण के या इतिहास के जो हमारे आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास की जो कथा है वह कथा तो हम लोग विशद अध्ययन करते आ रहे हैं। लेकिन एक अध्यायबद्ध के रूप में देखेंगे कि भारत स्वतंत्र होने के क्या कारण थे, इसके क्या क्या कारण, मूलभूत कारण क्या क्या था कि अंग्रेज लोग कि एक लंबे अरसे से शासन सत्ता को लेकर हमारे देश को शोषित करते आ रहे थे, और ऐसे अचानक उनके हृदय में, उनके विचार में क्या परिवर्तन आ गया, किन किन चीजों का उनके हृदय में परिवर्तन आ गया कि ये लोग मतलब हमारे भारत को स्वतंत्र करने के लिए तैयार हो गए। तो ये जो विभिन्न कारण है उस कारणों के बारे में आज हम लोग अध्ययन प्रस्तुत करेंगे, एक एक पॉइंट करके हम लोग अध्ययन करेंगे और उसका समालोचनात्मक अध्ययन हम लोग करेंगे। तो भारत स्वतंत्र होने के कारण, कॉजेज ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस। तो एक लंबे अरसे से, एक लंबे अवधि तक ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश शासन हमारे भारत भूमि में शासन करते आ रहे थे, और आने के बाद आते आते उनके हृदय में, उसके विचार में और उनका विभिन्न प्रकार के भक्त होने के कारण उनके हृदय में परिवर्तन आने लगा, और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, भारत को ये लोग स्वतंत्र घोषित किए। तो यहां पर प्रश्न आता है, प्रश्न उठता है कि क्या आश्चर्य बात है, कौन सी मतलब इसमें आश्चर्य की चीज इसमें सन्निहित है, अंतर्निहित है कि उन लोगों के हृदय में इतना आमूल परिवर्तन। इसके पीछे विभिन्न प्रकार का सहायक कारक, सहायक उसका तत्व, इतिहास में उसका विभिन्न विद्वानों ने अपना मत मतिकों के बाद भी अपना मतलब विचार विमर्श प्रस्तुत किए हैं। उसी आलोक में जैसे कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना है, उनका स्पष्ट ये स्पष्ट किए हैं कि जब हम स्वतंत्रता के अधिक सामने थे, अधिक काफी काफी सीमा तक, जब स्वतंत्रता के काफी सीमा तक अगर देखा जाए तो हमारे महत्वपूर्ण त्याग और बलिदान महत्वपूर्ण चीज है, हमारे त्याग और बलिदान साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के साथ ही ब्रिटिश कंपनियों के या ब्रिटिश शक्तियों के द्वारा हमारे जो एक लोकतंत्र, ब्रिटिश लोकतंत्र की जो स्थापना हुई उस लोकतंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका, एक सम्मान पूर्वक स्वतंत्रता को ये लोग समर्पित किए, स्वतंत्रता भारत को दिए। अतः उनका जो स्पष्ट विचार है कि वास्तव में यह अचानक आने वाला चीज नहीं था, ये तुरंत मिलने वाला चीज भी नहीं था, बल्कि इसके लिए हमें तो विभिन्न प्रकार का संघर्ष, समर्पण, त्याग, तपस्या, बलिदान
सब कुछ देकर मर मिटने के लिए विवश होना पड़ा है, उसके पश्चात हमें आज स्वतंत्रता हाथ लगी है। अतः इस बिंदु तक आने के लिए, इसके अध्ययन की सुविधा हेतु, इसके विभिन्न जो सहायक कारक है, सहायक तत्व है, ये सारे चीजों के बारे में निम्नलिखित प्रसंगों में अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। तो उसका एक नंबर कारण है भारत का एकीकरण। भारत का एकीकरण, द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। भारत का एकीकरण किस प्रकार एकीकरण भारत का हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्य जब एक साम्राज्यवादी शासन व्यवस्था को हमारे भारत का जो शासन व्यवस्था था, जब ब्रिटिश लोग हमारे भारत में आए तो उस समय तक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और एक स्वतंत्र छोटा छोटा राज्य के रूप में अपना शासन व्यवस्था भारत की छिन्न भिन्न अवस्था में थी। ऐसी स्थिति में जब अंग्रेजों का यहाँ आना हुआ आगे, तो ये लोग कंपनी सरकार किया कि उसका सबसे महत्वपूर्ण काम, पहला काम कि संपूर्ण क्षेत्र को एकजुट करके, एकत्रित करके एक साम्राज्यवादी नीति को तैयार करना, क्योंकि ये लोग तो साम्राज्यवादी के पुजारी, तो ये लोग साम्राज्यवाद को, एक साम्राज्य की स्थापना, एकीकरण की भावना ये लोग अपना मन में ठान लिए। जो एकीकरण की भावना देखने के लिए मिलती है हमारे भारत में, तो एकीकरण से क्या हमें लाभ मिला, भारतीयों को क्या लाभ मिला कि एक राष्ट्र की कल्पना सर्वप्रथम, एक जाति की कल्पना, एक भाषा की कल्पना, अर्थात स्वराज्य स्वभाषा, स्वराज स्वभाषा, स्वराष्ट्र की भावना उनमें जागृत होने लगी, जागने लगी। और साथ ही साथ इस संबंध में ब्रेकर महोदय का भी कहना है, ब्रेकर का, कि भारत में अचेतन अवस्था में साम्राज्यवादी व्यवस्था से अचेतन अवस्था में भारतीयों को नष्ट करने का प्रयास किया, नष्ट करने का प्रयास स्वयं को नष्ट कर लिए। अर्थात ब्रेकर का कहना है कि साम्राज्यवादी भारत के जो ब्रिटिश सरकार है, उस सरकार का विनाश का बीज उसके भीतर ही था, उसके विनाश का कारण उसके भीतर अंतर्निहित था, लेकिन वह अपने अनजान में, इसलिए अचेतन अवस्था में बोलते हैं कि अचेतन अवस्था में हमें ये सब जो मतलब साम्राज्यवादी नीति को भारत में चलाकर जनताओं को एकत्रित करने का, एकीकरण की जो नीति अपनाए, भारत का एकीकरण, उससे हमें तो लाभ जो मिला मिला, लेकिन भारतीय के राष्ट्रीय आंदोलन या भारतीय को स्वतंत्र होने के लिए यह भी एक धोतक है। साथ ही साथ डाक व्यवस्था संचालित, संचार व्यवस्था जो है, डाक व्यवस्था पूरे भारत में व्यवस्था हो गई, आर्थिक नीति भी एक हो गया, जिसके चलते सभीओं को, जनताओं को एक छत्र छाया में रहने से एकता की अनुभव होने लगी, जो स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण अस्त्र बनी। तो एकीकरण, भारत का एकीकरण स्वतंत्रता देने दिलाने के लिए एक सहायक कारक थी। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरे राज्यों का, दूसरे देशों का दबाव, प्रेशर फॉर अदर कंट्रीज, प्रेशर फॉर अदर कंट्रीज, दूसरे देशों का दबाव किया, यह एक और अच्छी सहायक पद्धति। द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में ऐसी स्थिति आ गई थी कि अमेरिका, रूस, चीन, ये सब चाह रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति चाह रहे थे कि भारत को एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए इंग्लैंड को जबरदस्ती किया जाए, दबाव डाला जाए। अतः जो मतलब प्रेस दबाव जो डाला गया
साम्राज्यवादी बड़े राष्ट्रों से, तो अंग्रेजों को यह अनुभव होने लगा कि ऐसी स्थिति में मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय शक्ति हमारे ऊपर उन भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, तो इन लोगों के दबाव को अगर नहीं मान के हम लोग साम्राज्यवादी नीति को चला के शासन करते रहेंगे तो हम लोग मेरे ऊपर ही मतलब इंग्लैंड के ऊपर ही, इंग्लैंड की व्यवस्था के ऊपर ही असमंजस पैदा हो जाएगी, असंतुलन आ जाएगा। इस स्थिति में हमारे माउंटबेटन योजना के जो सर स्टेफर्ड जिसका अध्यक्ष थे सर स्टेफर्ड माउंटबेटन, वे ब्रिटिश संसद में स्वयं बोले कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति भारत को स्वतंत्र करने के लिए मेरी ऊपर इतने दबाव डाल रहे हैं, इतने बाधाएं डाल रहे हैं, अगर उन लोगों के बाधाओं को दमन करने का नीति अपनाया जाए तो मेरी स्थिति संकटापन्न हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है कि छोड़ देना ही बुद्धिमत्ता है, स्वतंत्रता दे देना ही बुद्धिमत्ता है। अतः विश्व के अन्य राष्ट्रों का दबाव भी एक स्वतंत्र भारत होने के लिए एक उत्तरदायी कारण बनी। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीयता का, राष्ट्रवाद का उदय या राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। अभी भारत में राष्ट्रवाद किया है, राष्ट्रवाद किस प्रकार मतलब जागृत हुई, हमारे द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत के विभिन्न क्षेत्र में यह आह्वान किया गया कि सभी इस विश्व युद्ध में एकता समता को बजाय रखते हुए सहयोग ब्रिटिश को सहयोग करें, ब्रिटिश के साथ एक साथ मिलकर, ब्रिटिश कंपनी के साथ एक साथ मिलकर हम लोग सहयोग की भावना रखें और इसी विकट स्थिति से अपने को उबारने का प्रयत्न करना चाहिए। इसमें सब कोई तो अपना सहानुभूति अपनाए थे, लेकिन उससे क्या हुआ, भारतीयों को एक एकता समता की पाठ पढ़ने का अवसर मिला, समय मिला और भारतीयों में एक जागृति पैदा बन गई। उसी समय विभिन्न प्रकार का मतलब प्रेस का स्वतंत्रता, भाषा प्रेस का स्वतंत्रता, उसके बाद हमारे विभिन्न महात्माओं का आगमन, भूमिका, जिन जिन महात्माओं ने नवजागरण को लाए, नव या राष्ट्रीयता की भावना को जगाए, उस महात्माओं की भूमिका भारत में अर्थात राष्ट्रीयता की भावना जगने लगी, एक राष्ट्र की कल्पना मनुष्य में होने लगा। अतः राष्ट्रीय भावना इसी प्रकार जगी कि ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश सरकार यह अनुभव करने लगी कि इसी प्रकार राष्ट्रीयता की भावना के विकास के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय जागरण की मूलभूत आधार एक जागृत रूप लेना प्रारंभ की और समय अनुसार उसी समय महात्मा गांधी का हाथ में वह आंदोलन उसके हाथ में आया, बागडोर को यह संभाले और महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति के हाथ में तो इतने मतलब उसका राष्ट्रीय आंदोलन का प्रचार प्रसार होने लगा, जन जन तक पहुंचने लगा, अतः वह एक जनक्रांति बन गई। यह राष्ट्रवाद का ही परिणाम है, जनक्रांति के रूप में बदल गई, जन आंदोलन के रूप में मतलब वो फूटने लगी। और जब एक राष्ट्रीयता की भावना के लिए
मानव मर मिटने के लिए भी अभी तैयार होने लगे। अतः राष्ट्रीयता की भावना जो जागृत हुई, इसे यह स्पष्ट हो जाता है कि अभी अंग्रेजी सत्ता को भारत से छोड़ना ही पड़ेगा और उसको बाध्य होना ही पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें सैनिक विद्रोह जो 1946 ईस्वी में एक सैनिक विद्रोह भी जो हुआ, सैनिक विद्रोह, वह विद्रोह में सैनिक भी अपना विद्रोह में अपना स्वराष्ट्र के प्रति भावना को उजागर बना के रखे और ये लोग यह एहसास किए, अनुभव किए कि ऐसे विषम स्थिति में हमें अपने एक राष्ट्र की भावना को बना के रखना है। अतः इस स्थिति में देखे ब्रिटिश सरकार देखे कि हमें, मेरे पास तो अभी और कोई शक्ति बचा ही नहीं है क्योंकि सैन्य भी मतलब सहयोग नहीं दे रहे हैं, तो जिसके चलते स्थिति और गंभीर होने लगी। अतः यह कि एक हमारे राष्ट्रवाद की जो भावना है, यह भावना एक सहायक कारक के रूप में स्वतंत्रता के इतिहास में भूमिका रखती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंग्लैंड की कमजोरिता, इंग्लैंड की कमजोरिता, उसको आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोरी, सब दृष्टिकोण से मतलब ये कमजोर बन गए। किस प्रकार बने, इसके संबंध में कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय स्थिति विशाल हो गई थी, विकट हो गई थी। विभिन्न देशों में यह युद्ध का बिगुल बज उठा था और यह विशाल युद्ध इंग्लैंड तथा भारत के लिए भी एक विनाशकारी बनकर आया। तो ऐसे स्थिति में इंग्लैंड को अपार धन राशि का मतलब उसका हानि हुआ था। ये धन के हानि होने के चलते वह निर्धन बन गया था। अभी निर्धन अनुभव करके वह मन में ठाने कि ऐसी स्थिति में पूरे भारत सहित इंग्लैंड को संभालना इंग्लैंड के लिए एक गंभीर विषय बनी हुई है। अतः वे इंग्लैंड भारत के लिए देखे कि भारत की जो स्थिति है, भारत का जो अपना विभिन्न प्रकार की आर्थिक, नैतिक, सामाजिक, धार्मिक सब दृष्टिकोण से भारत की जो अभी स्थिति देखा जा रहा है, ऐसी स्थिति में भारत में शासन सत्ता को बनाए रखना एक युक्तिसंगत नहीं होगी, उचित नहीं होगी, क्योंकि भारत के लिए अंग्रेज आए हैं कहे के लिए, हम लोग आए हैं, भारत एक समृद्धशाली राष्ट्र है, वहां के धन, वहां के संपद, वहां के विभिन्न महत्वपूर्ण धन को अर्जित करने के लिए हम लोग आए हैं। और वह धन अगर भारत में भी तो अभी धन समाप्त हो चुका है, भारत भी तो अभी सब दृष्टिकोण से वह भी हीनस्त हो गया है, उसके भीतर में भी कुछ बचा नहीं है। अतः ऐसे स्थिति में हमें यह महत्वपूर्ण होगा कि भारत को स्वतंत्र होने का मौका दिया जाए, स्वतंत्र हो जाए। और अगर मतलब ये चाहते, अवश्य निर्धन बन गए थे, लेकिन निर्धन होते हुए भी वे अगर चाहते तो और बहुत समय तक इंग्लैंड को अपना, बहुत समय तक इंडिया को ये लोग अपने अधीन रख, अपना अधीन में करके रह सकते थे, क्योंकि फ्रांस जो हिंद चीन में 10 वर्ष तक मतलब अपना उस शासन किए थे, क्योंकि उसके बाद भी 10 वर्ष तक शासन किए थे, उस इंग्लैंड से बहुत कमजोर फ्रांस थी, फिर भी कर सके थे। तो अगर मतलब इंग्लैंड भी चाहती कि मतलब भारत में वही अपना शासन सत्ता को बना के रखेंगे, चाहे जितना भी गरीबता क्यों ना आए, तो मतलब वो रख सकती थी, लेकिन इसके भीतर उसके मन मस्तिष्क में ऐसी परिवर्तन आई कि
वो ये मतलब भारत को स्वतंत्र करने के लिए छोड़ दिए। इसके लिए हम हमारे जो भारत के मानव थे, भारत के जो मतलब नेता जनगण बुद्धि 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 प्रबुद्ध वर्ग थे, ये वर्गों में यह भावना जगने लगी, आसार जगने लगी कि अभी और अंग्रेज हमारे भारत के प्रति कोई भारत के प्रति जो निर्धना का निर्धनता की अवस्था को देखकर उन लोगों में सहानुभूति आ गया है और इन लोगों में भी आशा अपेक्षा जगह कि इंग्लैंड अवश्य भारत को अभी सहानुभूति दिखाकर ये हमें स्वतंत्रता देंगे। और ये एक इसी प्रकार की सहानुभूति थी कि एक मतलब दल का मतलब स्थान आ गया था, जो आगे हम लोग उसका अध्ययन करेंगे पॉइंट ग्रुप में, कि सहानुभूति भी मतलब उन लोगों का जग गया था। और एक उन लोगों का पहले से ही उन लोगों का विचार था कि जब भारत भारत के नागरिक या जब भारत स्वयं यज्ञ बन जाएगा तो उसे स्वतंत्रता दे देंगे, ये भी एक उन लोगों का विचार था। और इसी प्रकार देखा जाए तो जो इंग्लैंड की जो निर्धनता और भारत की भी निर्धनता, दोनों के विचार चिंतन दोनों दोनों के मतलब विषय बिंदु पर आलोचना करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इंग्लैंड तो उसका युद्ध में तो धन क्षति हुआ ही, इसी चलते भी वह कमजोर हो गया था, तो इधर मतलब चलाने में वह असमर्थ अनुभव कर रहा था, और साथ साथ भारत तो गरीब हो ही गया था, इसीलिए उन लोग विचार किए भारत में तो कुछ है ही नहीं, तो अभी और भारत को लेके हम लोग क्या करेंगे, या उन लोग का एक अभी विचार जगा कि नहीं हम लोग का जो मतलब एक पहले से ही हम लोग ठान के रखे हैं कि जब भारतीय यज्ञ बनेगा तो उन्हें मतलब स्वतंत्रता दिया जाएगा, तो ये विचार भी उन लोगों के भीतर में आया। तो ये सारे विभिन्न प्रकार की जो मतलब उन लोगों का विचार में परिवर्तन या विभिन्न प्रकार का कारक सहायक कारक जिसके परिणाम स्वरूप ये लोग बाध्य होके भारत को स्वतंत्र देने में आगे बढ़े बाध्य होके। नेक्स्ट पॉइंट है उन लोगों का एशिया का पुनर्जागरण, रिनेसा इन एशिया, एशिया का पुनर्जागरण, एशिया के दूसरे देश जो साम्राज्यवादी देश है उसमें पुनर्जागरण आ गया था, जागृति आ गया था, ये लोग अपने स्वतंत्र होने के लिए अपना विभिन्न प्रकार का आंदोलन अपना अपना देश में कर रहे थे। तो ये सारे चीजों का प्रभाव हमारे भारत में भी पड़ा, भारत भी उससे अछूता नहीं रहा और भारत भी यह अनुभव करने लगा कि दूसरे देशों के समतुल्य मैं भी अपना एकता समता के पाठ को बनाकर राष्ट्र एक राष्ट्र की कल्पना को साकार करने में हम लोग भी अपना नवजागरण को आगे बढ़ाएं और अपना देश को स्वतंत्र करें। तो इससे भी मतलब पुनर्जागरण जो हो गया, इससे भी भारतीय जो उग्र भारतीय अपना अपना क्रांतिकारी रूप लेने लगा, आंदोलनकारी बनने लगा, तो इंग्लैंड ब्रिटिश वासी ब्रिटिश कंपनी इससे भी मतलब वह दब गए और स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र भारत के लिए यह भी एक पॉइंट माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है साम्यवाद का भय, इंग्लैंड के लिए एक महत्वपूर्ण भय था, डर था कि भारत को अगर स्वतंत्र नहीं कर देंगे तो समस्या हो जाएगा, क्या होगा, इसके लिए एक साम्यवाद की जो भावना उस समय जगी थी, साम्यवाद की भावना से उन लोगों को डर था, डेंजर ऑफ कम्युनिज्म, साम्यवाद के प्रति डर, किस प्रकार साम्यवाद कि दूसरे के राष्ट्र दूसरे दूसरे देश दूसरे साम्राज्य अपना साम्यवादी व्यवस्था को धड़ल्ले के साथ अपनाते जा रहे थे। तो ये सारे चीजों को देखकर भारतीय भी अपना साम्यवादी व्यवस्था के प्रति अपना भावना को जगाए, साम्यवादी बनने के लिए ये लोग भी अपना देश को साम्यवादी देश के रूप में संगठित करने के लिए अपने आगे बढ़े। तो ऐसी स्थिति में इंग्लैंड अंग्रेज कंपनी यह अनुभव करने लगी अगर भारतीयों को दूसरे देशों के प्रभाव में आकर साम्यवादी बनने का मौका दिया जाए तो हमें मुंह दिखाने का भी काबिलियत नहीं रहेगा, इंग्लैंड को मुंह दिखाने का भी काबिलियत नहीं रहेगा, अतः ऐसी स्थिति में क्या करना है जिससे कि भारत साम्यवादी न बने बल्कि वे
एक स्वतंत्र बन के ही रहना उचित होगा, एक स्वयं का राष्ट्र अपना स्वतंत्र राष्ट्र बन के रहेगा, लोकतंत्र राष्ट्र बन के रहेगा तो अच्छी होगी, साम्यवादी बन जाएगा तो वह समस्या खड़ा कर देगी। तो इसीलिए वे लोग साम्यवाद बनने के डर से क्या किए, भारत को स्वतंत्र होने के लिए अपना सहयोग दिए। फिर नेक्स्ट में एक अंतिम जो हम लोग का महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह पॉइंट है इंग्लैंड में साम्यवादी, इंग्लैंड में जो एक मजदूर दल की संगठन, इंग्लैंड में मजदूर दल की संगठन, तो 1945 ईस्वी में इंग्लैंड में एक आम चुनाव हुआ था, जिस आम चुनाव में एक मजदूर दल जो था, वह मजदूर दल एक ऐसा अपना मजबूती मजबूत अपना संगठन को बना लिया था, क्योंकि एक स्वतंत्रता के या एक लोकतंत्रात्मक संगठन के रूप में, आम संगठन के रूप में वह अपने को उभारा था कि इंग्लैंड के जनताओं ने उस दल को जिताने का भरसक प्रयत्न किए, उस दल को अपना मत देने का वे लोग निश्चय किए, और मजदूर दल को भाग्य भी साथ दिया कि उस आम चुनाव में मजदूर दल अपना जीत गए। तो आम चुनाव के समय मजदूर दल अपना मतलब वचन दिए थे, विभिन्न प्रकार का अपना आश्वासन दिए थे, जिस आश्वासन में यह भी एक आश्वासन था भारतीयों के लिए, अगर मजदूर दल जीत जाता है, मजदूर दल सफल बनता है, तो भारत को हम लोग एक स्वतंत्र देश के रूप में देखेंगे, एक स्वतंत्र देश, स्वतंत्र राष्ट्र हम लोग बनाएंगे। और यह जब जब मजदूर दल जीत गया तो यह एक महत्वपूर्ण मौका मिल गया भारत को, भारतवासी को एक राहत मिल गई, एक आशा भी मिला, और वह सफल आशा हुआ, आशा और विश्वास दोनों इन लोगों का भर गया कि अभी मजदूर दल जो आ गया, मजदूर दल जीता, तभी अवश्य हम लोग का भारत स्वतंत्र हो ही जाएगा, और हुआ भी, क्योंकि ये दल का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, इनका कार्यवाही, इस दल का समर्पण, इस दल के जो महान व्यक्ति थे, महान नेता थे, एटली का योगदान, एटली का सहयोग हमारे भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसीलिए हमारे भारत के लिए बधाई के पात्र रहे हैं। मौलाना आजाद स्वयं अपना मुंह से कहे हैं, उनका एक किताब इंडिया विंस फ्रीडम में मौलाना आजाद स्वयं कहे हैं कि मजदूर दल के परिणाम स्वरूप आज हमें स्वतंत्रता की एक महत्वपूर्ण आज्ञा पत्र मिली, कड़ी मिली, जिस कड़ी से हमारे महान भारत का एकता, समता, भ्रातृत्व, बंधुत्व और राष्ट्रीयता की भावना संगठित बनकर रहेगी। अतः ये जो मतलब हमारे इटली महोदय, उसके लिए अपना आज्ञा पत्र निकाले, अपना जो आश्वासन था, उस आश्वासन को पूरा करने के लिए अपना प्रारंभ किए कि भारत को कैसे स्वतंत्र कर दिया जाए, और प्रारंभ करने के बाद इसीलिए उनको हमारे विभिन्न विद्वानों ने या विभिन्न इतिहासकार या हमारे उस काल के नेता प्रणेताओं ने उनको इटली को बधाई से देते हैं, धन्यवाद का पात्र कहते हैं कि मजदूर दल के जो नेता इटली थे, उनके अथक प्रयास परिणाम के स्वरूप आज हमें स्वतंत्रता, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिली। अतः ये मजदूर दल का जो सहानुभूति, मजदूर दल का सरकार का जो सहानुभूति, वह सहानुभूति अंतिम रूप से भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कल्पना को साकार रूप में परिणत करने का सौभाग्य दिए। अतः उपरोक्त भिन्न
जो सहायक कारक है, सहायक कारक है भारत के एकीकरण, दूसरे देशों का उनको उसके उसको दबाव देना, राष्ट्रीयता की भावना, हमारे एशिया के राष्ट्रों में नवजागृति, इंग्लैंड की निर्धनता, साम्यवादी व्यवस्था, इंग्लैंड में मजदूर दल सरकार की स्थापना, ये सारे जो विभिन्न प्रकार के जो सहायक कारक हैं, जिन कारणों के परिणाम स्वरूप भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिली और भारत एक स्वतंत्र जो भारत की कल्पना किए थे वह कल्पना भारत को साकार रूप में परिणत होने का सौभाग्य मिला। इसी प्रकार हम देखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हमारे जो यह विषय, यह जो भारत की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण विषय रखता है, एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसके विभिन्न प्रकार के जो सहायक कारक, वह कारक समय समय पर इतने सुंदर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति आघात किया, ब्रिटिश साम्राज्य को खोखला बना के रख दिया और अंत में यह विवश होकर मानने के लिए बाध्य होना पड़ा और भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। थैंक यू ऑल। नेक्स्ट क्लास।